अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ लंबर स्पाइन मोशन सेगमेंट। इसमें हम देखेंगे पोस्टर पोर्शन को। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे लेक्चर के हैं वो हैं टू डिस्क्राइब द पोस्टर पोर्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंबर स्पाइन। द स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टूड अबाउट द बायोमैकेनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टर पार्ट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंबर स्पाइन। ये पिक्चर हम लोग पहले भी देख चुके हैं जिसमें बताया हुआ है कि एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मोशन सेगमेंट। एंटीरियर पार्ट में क्या आ रहा था जी, इंटरवर्टिब्रल बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। जबकि पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या आ रहा है, पोस्टीरियर सेगमेंट में न्यूरल आर्च, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस और फैसेट जॉइंट और वेरियस लिगामेंट जो कि हैं इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो हम कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मोशन सेगमेंट कंटेन्स न्यूरल आर्चेस, इंटरवर्टिब्रल फैसेट जॉइंट्स, ट्रांसवर्स एंड स्पाइनस प्रोसेसेस एंड वेरियस लिगामेंट्स। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मोशन सेगमेंट गाइड्स इट्स मूवमेंट। एक्चुअली क्या है, जो स्पाइनल सेगमेंट पर जितनी मूवमेंट्स होती हैं वो बेसिकली इस जॉइंट की वजह से हो रही है, फैसेट जॉइंट की वजह से जो पोस्टीरियर पोर्शन में आता है। और इसके स्ट्रक्चर्स जो है, ये जो बना हुआ है और इसका जो इसकी ऑरिएंटेशन है फैसेट की, गाइड करती है थ्रू आउट द स्पाइन मूवमेंट। ठीक है, हर एक लेवल पे, हर एक लेवल के फैसेट्स उसको मूवमेंट को गाइड करते हैं। किस तरीके से देखेंगे, फिर देखते हैं न्यूरल आर्च को। न्यूरल आर्च की डेफिनेशन बताई हुई यहाँ पर, इट इज़ अ कर्व रेयर सेक्शन ऑफ द वर्टिब्रा इंक्लोजिंग द कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस। दिस इज सी लाइक। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं, स्पाइनल फोरामेन और स्पाइनल कैनाल। ठीक है, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है। फिर देखते हैं इंटरवर्टिब्रल फैसेट जॉइंट। अच्छा जी, फैसेट एक वर्टिब्रा में चार फैसेट हैं, टू सुपीरियर एंड टू इन्फीरियर। ठीक है, जो इन्फीरियर वर्टिब्रा है उसके टू सुपीरियर फैसेट जो हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं सुपीरियर वन से। ठीक है, सुपीरियर वन के इन्फीरियर फैसेट से जो जॉइंट बना रहे हैं पोस्टरली आप देख सकते हैं, दीज आर द फैसेट जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट है, कैप्सुलर जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मोशन सेगमेंट। व्हाट, न्यूरल आर्चेस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, फैसेट, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस एंड स्पाइनस प्रोसेसेस। विच वन इज करेक्ट, विच इज, यस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट इंक्लूडेड इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मोशन सेगमेंट। गुड, नाउ कम टू द फैसेट ओरिएंटेशन। फैसेट ओरिएंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट For guiding the motion. Yes, it is responsible for guiding the motion of the motion segment. ठीक है, तो कैसे facet orientation important है वो देखते हैं आगे। सबसे पहले ये देख लें कि C1 and C2, the cervical level के जो cervical पहला vertebra है और second जो vertebra है, दूसरा vertebra है, वो parallel होते हैं उसके facet किसके, transverse plane के। transverse plane क्या होता है ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा, review करना पड़ेगा प्लेन्स को, एनाटॉमिकल प्लेन्स को। आप ये देख सकते हैं पहले पिक्चर में दिखाया हुआ ट्रांसवर्स प्लेन है विच, अच्छा ये जो है इमेजिनरी प्लेन्स है। ठीक है, अज्यूम किए जाते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये डिवाइड करता है अबव और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जबकि फ्रंटल और कॉरोनल प्लेन है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, ये प्लेन हमने इमेजिनरी बनाए। ठीक है, दूसरा है सर्जाइटल, ये क्या करता है बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है इक्वली। ठीक है, अब ये क्या होता है प्लेन, ये जान लिया आपने, अब हमें फैसेट ओरिएंटेशन समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, C1 C2 हमने देखा था पहले, उसमें लिखा होता है एक स्टेटमेंट के वो ट्रांसवर्स प्लेन के, ठीक है, पैरेलल होते हैं यानी जीरो डिग्री पे होते हैं। C2 के बाद जितने भी वर्टिब्रास आते हैं सर्वाइकल के, ठीक है, उसका अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो C2 के बाद ये C3 आ गया, C4, C5 जो सर्वाइकल के वर्टिब्रास हैं उनकी जो फैसेट ओरिएंटेशन, अच्छा ये पोस्टियर व्यू में और यहाँ से एंटीरियर व्यू आप देख सकते हैं, पोस्टियर व्यू के आप इसके पीछे जाना होगा, इस पिक्चर के पीछे। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन है, इसकी डायग्रामेटिक बताया हुआ है कि ट्रांसवर्स प्लेन है। ठीक है, तो इसकी फैसेट ओरिएंटेशन कितनी होती है, 45 डिग्री पे होती है। ये देखें, ये फैसेट अगर मैं पोस्टरली देखूं, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये पोस्टरियर फेसिंग है। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है, देखें ये उठा हुआ है। तो ये डायग्राम
अगर ये देखूँ तो ट्रांसवर्स प्लेन के 45 डिग्री पे बन रहा है, फैसेट ओरिएंटेशन 45 डिग्री पे। इस पर जो ज़्यादातर जो है वो रोटेशन अवेलेबल हो सकती है इन फैसेट पर, जो गाइड कर सकता है रोटेशन को, ठीक है, फ्लेक्शन को गाइड कर सकता है, कुछ लैटरल बेंडिंग को भी गाइड कर सकता है। आगे चलते हैं, ये देखें, ये है थोरेसिक का लेवल। थोरेसिक का लेवल जो है वो थोरेसिक के फैसेट जो है वो एज कम्पेयर टू सर्वाइकल थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये फैसेट है और लैटरल व्यू में, लैटरल फेसिंग में, जबकि वो लैटरल फेसिंग नहीं थे, ये लैटरली रोटेटेड भी हैं थोड़ा सा, और पोस्टरली फेसिंग है, सुपीरियर फेसिंग है। अगर हम देखें इसमें तो ये ट्रांसवर्स प्लेन है और ये कौन सा प्लेन है, यस, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करेगा ना ये प्लेन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यस, कॉरोनल प्लेन। तो कॉरोनल प्लेन जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कॉरोनल प्लेन की अगर हम देखें फैसेट ओरिएंटेशन कितनी है, 20 डिग्री पे, लैटरल रोटेशन पे, उधर भी लैटरल रोटेशन हो रही है यहाँ पर, तो 20 डिग्री लैटरली रोटेटेड है ये, किससे, कॉरोनल प्लेन से, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स प्लेन से इसके फैसेट कैसे हैं, 60 डिग्री पे, इस तरीके से पोस्टीरियर रोटेटेड है, पोस्टीरियरली सीन है ना ये, ठीक है, तो 60 डिग्री पे देख सकते हैं। ऐसे फैसेट क्या मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा रोटेशन को देते हैं, फ्लेक्शन कम मिल रही है इस पर, फ्लेक्शन एक्सटेंशन बहुत कम होती है, रोटेशन ज़्यादा अवेलेबल होती है इस पर, ठीक है, लैटरल बेंडिंग भी कम होगी इस पर, ठीक है, लैटरल फेसिंग। अब आप देखते हैं आगे लंबर, लंबर जो है सर्वाइकल और थोरेसिक के जो फैसेट थे उससे थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देखें इनर फेसिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा प्लेन था जो डिवाइड कर रहा है बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यस यस, कॉरोनल प्लेन, ठीक है, कॉरोनल प्लेन के ये 45 डिग्री पे, ठीक है, और इनवर्ड है अंदर की तरफ, ये भी यहाँ पर इनवर्ड दिख रहा है, सही है। जबकि ट्रांसवर्स प्लेन के 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, उसके कितने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ट्रांसवर्स प्लेन का, ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन मिल सकती है आपको, ठीक है, क्या अवेलेबल नहीं होगी, रोटेशन, यस, रोटेशन लीस्ट बहुत कम, बिल्कुल भी ना होने के बराबर, बहुत कम होगी, ठीक है, ना होने के बराबर होगी, तो रोटेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकती। देखें आप 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होने की वजह से रोटेशन मुश्किल है। अच्छा, चूज द बेस्ट वन, विच मूवमेंट इज नॉट सजेस्टेड विद फैसेट ओरिएंटेशन इन लंबर, यस, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लैटरल बेंडिंग और रोटेशन, यस, रोटेशन, गुड, वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, अभी हमने ये बात की थी कि रोटेशन अवेलेबल नहीं होती, क्यों, क्योंकि फैसेट ओरिएंटेशन ऐसी होती है इसकी। लोड बेयरिंग फंक्शन ऑफ लंबर फैसेट, आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन हो रही है, कंप्रेशन इस एरिया पे आएगा, यहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस आएंगी, फैसेट पे कंप्रेशन होगी, यहाँ पर लोड आएगा, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में टेंसाइल, ये रोकेगा फिर उसके बाद, तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लोड इन हाइपर एक्सटेंशन फैसेट जॉइंट पे होगा, एक्सियल लोड जो है ट्रांसफर्ड हो जाएगा किस पे, एनुलस एंड एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट पे। पिक्चर में देखें, पीछे जाइए, ये एक्सटेंशन हो रही है, एक्सियल लोड ट्रांसफर हो गया किस पे, एनुलस पे, ठीक है, और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट पे यहाँ पर जो है। आगे चलते हैं, द फॉरवर्ड बेंडिंग कपल्ड विद रोटेशन कॉजेस हाई लोडिंग ऑन फैसेट जॉइंट, जो बेंडिंग के साथ, फ्लेक्शन के साथ रोटेशन कर रहे हैं तो एक साइड पे कंप्रेशन आएगा फैसेट के, ठीक है, तो जिसकी वजह से फैसेट पे ज़्यादा लोडिंग होगी, बायलैटरली नहीं आ रहा इधर, एक साइड पे आ रहा है, तो फैसेट जॉइंट पे ज़्यादा लोडिंग हो सकती है, पूरे बॉडी का लोड जा रहा है एक साइड पे, यूनिलैटरल साइड पे। लिगामेंटम फ्लेवम की बात करते हैं, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है ये लिगामेंटम फ्लेवम है, ठीक है, इनर कैनाल से जा रहा है, सही है, आप ये देख सकते हैं स्पाइनस प्रोसेस के पोस्टरली लगा हुआ अटैच है, दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में होता है। अच्छा जी, ये वाहिद है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, बाकी दूसरे जो हैं कॉन्ट्रैक्टाइल लिगामेंट्स नहीं है, जैसे कि सुप्रा स्पाइनल, स्पाइनस के स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर लगा हुआ ये, ठीक है, इंटर स्पाइनस, दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में होगा ये, आपको इंटर ट्रांसवर्स मिल रहा है लिगामेंट, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस के कैप्सुलर लिगामेंट है जो फैसेट को आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, कैप्सूल बनाता है फैसेट का। आगे देखते हैं,
लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इलोंगेट करेगा ड्यूरिंग फ्लेक्शन, यानी अलाउ करेगा फ्लेक्शन को। दूसरे लिगामेंट्स का अगर हम देखें तो ड्यूरिंग फ्लेक्शन क्या होगा, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट था वो सबसे पहले ग्रेटर स्ट्रेन में जाएगा, फिर उसके बाद कैप्सुलर लिगामेंट, फिर लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या होगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट वो स्ट्रेन में जाएगा। अच्छा, लिगामेंटम फ्लेवम इसलिए स्ट्रेन में नहीं जाता पहले क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल है। अच्छा जी, ड्यूरिंग एक्सटेंशन क्या होगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल बेयर्स ग्रेटर स्ट्रेन, सही है। लैटरल फ्लेक्शन में क्या होगा, ट्रांसवर्स, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट है वो पहले हाइयर स्ट्रेन में जाएंगे, फिर लिगामेंटम फ्लेवम और फिर कैप्सूल लैटरल साइड पे। ड्यूरिंग रोटेशन क्या होगा, कैप्सुलर रोटेशन होगी, कैप्सूल फैसेट जॉइंट पे होता है ना तो उसका कैप्सूल जो है वो इन्वॉल्व होगा। अच्छा जी, चूज द वन बेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कॉजेस हाइएस्ट लोड ऑन फैसेट जॉइंट, कौन सा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन लैटरल बेंडिंग रोटेशन या फ्लेक्शन ऑफ फ्लेक्शन कपल्ड विद रोटेशन, क्या होगा आंसर, यस ई, फ्लेक्शन कपल्ड विद रोटेशन, गुड। नेक्स्ट, अच्छा जी खत्म हो गया हमारा लेक्चर, मेरे लेक्चर के एंड में ये कोड होती है हमेशा, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स द थिंग्स यू लुक एट चेंज, देखने का नजरिया अगर आपका चेंज हो जाए तो, यानी पॉजिटिव हो जाए तो चीज़ें भी आपको पॉजिटिव लगेंगी, और अगर नेगेटिव हो जाए तो चीज़ें भी आपको नेगेटिव लगेगी। तो अपने देखने के नज़रिए को चेंज करें, बेहतर करें। ठीक है जी, दैट वॉज ऑल टूडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।